प्रकार के पंचमांश से पूर्वोक्त अंगों का निर्माण करें। एक मुख लिंग को बाहु रहित होना चाहिए। एक मुख लिंग में विस्तार के छठे अंश से मुख का निर्गमन हितकर कहा गया है। मुखयुक्त जितने भी लिंग हैं, उन सब का शिरोभाग त्रिपुषाकार या ककुटांड के समान गोलाकार होना चाहिए। पिंडिका का लक्षण। श्री भगवान हयग्रीव कहते हैं, ब्रह्मन, अब मैं प्रतिमाओं की पिंडिका का लक्षण बता रहा हूँ। पिंडिका लंबाई में तो प्रतिमा के बराबर होनी चाहिए और चौड़ाई में उससे आधी। उसकी ऊंचाई भी प्रतिमा की लंबाई से आधी हो और उस अर्धभाग के बराबर ही वो सुविस्तृत हो, अथवा उसका विस्तार लंबाई के तृतीयांश के तुल्य हो। उसके एक तिहाई भाग को लेकर मेखला बनावे। पानी बहने के लिए जो खात या गर्त हो, उसका माप भी मेखला के ही तुल्य रहे। वो खात उत्तर दिशा की ओर कुछ नीचा होना चाहिए। पिंडिका के विस्तार के एक चौथाई भाग से जल के निकलने का मार्ग प्रणाल बनाना चाहिए। मूल भाग में उसका विस्तार मूल के ही बराबर हो, परंतु आगे जाकर वो आधा हो जाए। पिंडिका के विस्तार के एक तिहाई भाग के अथवा पिंडिका के आधे भाग के बराबर वो जलमार्ग हो। उसकी लंबाई प्रतिमा की लंबाई के तुल्य ही बताई गई है, अथवा प्रतिमा ही उसकी लंबाई के तुल्य हो। इस बात को अच्छी तरह समझकर उसका सूत्रपात करें। प्रतिमा की ऊंचाई पूर्ववत 16 भाग की संख्या के अनुसार करें। 6 और 2 अर्थात 8 भागों को नीचे के आधे अंग में गतार्थ करें। इससे ऊपर के 3 भागों को लेकर कंठ का निर्माण करें। शेष भागों को एक एक करके प्रतिष्ठा, निर्गम तथा पट्टिका आदि में विभाजित करें। ये सामान्य प्रतिमाओं में पिंडिका का लक्षण बताया गया है। प्रासाद के द्वार के दैर्ध्य विस्तार के अनुसार प्रतिमाग्रह का भी द्वार कहा गया है। प्रतिमाओं में हाथी और व्याल, सर्प या व्याघ्र आदि की मूर्तियों से युक्त ततत्त देवता विषयक शोभा की रचना करें। श्रीहरि की पिंडिका भी सदा यथोचित शोभा से संपन्न बनाई जानी चाहिए। सभी देवताओं की प्रतिमाओं के लिए वही मान बताया जाता है जो विष्णु प्रतिमा के लिए कहा गया है, तथा संपूर्ण देवियों के लिए भी वही मान बताया जाता है जो लक्ष्मी जी की प्रतिमा के लिए कहा गया है। प्रतिष्ठा के अंगभूत मंडप निर्माण, तोरण स्तंभ, कलश एवं ध्वज के स्थापन तथा 10 दिक्पाल याग का वर्णन। श्री भगवान हयग्रीव कहते हैं, ब्रह्मन, मैं प्रतिष्ठा के 5 अंगों का वर्णन करूंगा। प्रतिमा, प्रतिमा पुरुष का प्रतीक है तो पिंडिका प्रकृति का, अथवा प्रतिमा नारायण का स्वरूप है तो पिंडिका लक्ष्मी का। उन दोनों के योग को प्रतिष्ठा कहते हैं। इच्छानुरूप फल जाने, इसलिए इच्छानुरूप फल चाहने वाले मनुष्यों द्वारा इष्ट देवता की प्रतिष्ठा स्थापना की जाती है। आचार्यों को चाहिए कि वो मंदिर के सामने गर्भसूत्र को निकालकर 8, 16 अथवा 20 हाथ का मंडप तैयार करें। इनमें 8 हाथ का मंडप निम्न, 16 हाथ का मध्यम और 20 हाथ का उत्तम माना गया है। मंडप में देवता के स्नान के लिए, कलश स्थापन के लिए तथा याग संबंधी द्रव्यों को रखने के लिए आधा स्थान सुरक्षित कर लें। फिर मंडप के आधे या तिहाई भाग में सुंदर वेदी बनावें। उसे बड़े बड़े कलशों, छोटे बड़े घड़ों और चंदोमें आदि से विभूषित करें। पंचगव्य से मंडप के भीतर के स्थानों को प्रोक्षण करके वहां सब सामग्री रखें। तत्पश्चात गुरुवस्त्र एवं माला आदि से अलंकृत हो भगवान विष्णु का ध्यान करके उसका पूजन करें। अंगूठी आदि भूषणों तथा प्रार्थना आदि से मूर्ति पालक विद्वानों का सत्कार करके कुंड कुंड पर उन्हें बिठावें। वे वेदों के पारंगत हों। चौकोर, अर्धचंद्र, गोलाकार अथवा कमल सदृश आकार वाले कुंडों पर उन विद्वानों को विराजमान करना चाहिए। पूर्वादि दिशाओं में तोरण द्वार के लिए पीपल, गूलर, वट और प्लक्ष के वृक्ष का काष्ठ उपयोग करना चाहिए। पूर्व दिशा का द्वार सुशोभन नाम से प्रसिद्ध है। दक्षिण दिशा का द्वार सुभद्र कहा गया है। पश्चिम का द्वार सुकर्मा और उत्तर का सुहोत्र नाम से प्रसिद्ध है। ये सभी तोरण स्तंभ 5 हाथ ऊंचे होने चाहिए। इनके स्थापना करके सियोना पृथुविनो इस मंत्र से पूजन करें। तोरण स्तंभ के मूल भाग में मंगल अंकुर, आम्र पल्लव,
यवांकुर आदि से युक्त कलश स्थापित करें। तोरण स्तंभ के ऊपरी भाग में सुदर्शन चक्र की स्थापना करें। इसके अतिरिक्त विद्वान पुरुषों को वहां 5 हाथ ध्वज स्थापित करना चाहिए। उस ध्वज की चौड़ा 16 अंगुल की हो। ध्वज स्थापित करना चाहिए उस ध्वज की चौड़ाई 16 अंगुल की हो। सूर्यश्रेष्ठ, उस ध्वज का दंड 7 हाथ ऊंचा होना चाहिए। अरुणवर्ण, अग्निवर्ण, धूम्रवर्ण, कृष्ण शुक्ल, कृष्ण शुक्ल, पीत, रक्त तथा श्वेत, ये वर्ण क्रमशः पूर्वादि दिशाओं में ध्वज में होने चाहिए। कुमुद, कुमुदाक्ष, पुंडरिक, वामन, शंकु, कुकर्ण, सर्वत्रनेत्र, समुख, सुप्रतिष्ठित, ये क्रमशः पूर्व आदि ध्वजों के पूजनीय देवता हैं। इनमें करोड़ों दिव्य गुण विद्यमान हैं। कलश ऐसे पके हुए हों कि सुपक्व बिंबफल के समान लाल दिखाई देते हों। वे एक एक आढ़क जल से पूर्णतः भरे हों। उनकी संख्या 128 हो। उनके स्थापना ऐसे समय करनी चाहिए जबकि कालदंड नामक योग न हो। उन सभी कलशों में सुवर्ण डाला गया हो। उनके कंठ भाग में वस्त्र लपेटे गए हों। वे जलपूर्ण कलश तोरण से बाहर स्थापित किए जाएं। वेदी के पूर्व आदि दिशाओं तथा कोणों में भी कलश स्थापित करने चाहिए। पहले पूर्वादि चारों दिशाओं में 4 कलश स्थापित करें। उस समय आजिघ्र कलशम आदि मंत्र का पाठ करना चाहिए। उन कलशों में पूर्वादि दिशाओं के क्रम से इंद्र आदि दिक्पालों का आवाहन पूर्वक पूजन करें। इंद्र का आवाहन करते समय इस प्रकार कहें, ऐरावत हाथी पर बैठे और हाथ में वज्र धारण किए देवराज इंद्र, यहाँ आइए और अन्य देवताओं के साथ मेरे पूर्व द्वार की रक्षा कीजिए। देवताओं सहित आपको नमस्कार है। इस तरह आवाहन करके विद्वान पुरुष त्रातारमिंद्रम इत्यादि मंत्र से उनकी अर्चना एवं आराधना करें। इसके बाद निम्नांकित रूप से अग्नि देवता का आवाहन करें। बकरी पर आरूढ़ शक्तिशाली एवं बलशाली अग्निदेव, आइए और देवताओं के साथ अग्निकोण की रक्षा कीजिए। ये पूजा ग्रहण कीजिए, आपको नमस्कार है। तदनंतर अग्निमूर्धा इत्यादि से अथवा अग्नेय नमः, इस मंत्र से अग्नि की पूजा करें। यमराज का आवाहन, महिष पर आरूढ़ दंडधारी महाबली सूर्यपुत्र यम, आप यहाँ पधारिए और दक्षिण द्वार की रक्षा कीजिए, आपको नमस्कार है। इस प्रकार आवाहन करके वैवस्व संगमनम इत्यादि मंत्र से यमराज की पूजा करें। निर्यति का आवाहन, बल और वाहन से संपन्न खड्गधारी निर्यति, आइए आपके लिए ये अर्ध है, ये पाद्य है, आप नैऋत्य दिशा की रक्षा कीजिए। इस तरह आवाहन करके ऐश ने नृहत्ते इत्यादि से मनुष्य अर्ध आदि उपचारों द्वारा नैऋत्य की पूजा करें। वरुण का आवाहन, मकर पर आढ़ूर पाशधारी महाबली वरुण देव, आइए और पश्चिम द्वार की रक्षा कीजिए, आपको नमस्कार है। इस प्रकार आवाहन करके उरुम ही राजा वरुण इत्यादि मंत्रों द्वारा आचार्य वरुण देवता का अर्ध आदि से पूजन करें। वायु देवता का आवाहन, अपने वाहन पर आरूढ़ ध्वजधारी महाबली वायुदेव, आइए और देवताओं तथा मरुदगणों के साथ वायव्य कोण की रक्षा कीजिए, आपको नमस्कार है। वात, आवातु इत्यादि वैदिक मंत्र से अथवा ओम नमो वायवे, इस मंत्र से वायु की पूजा करें। सोम का आवाहन, बल और वाहन से संपन्न गदाधारी सोम, आप यहां पधारिए और उत्तर द्वार की रक्षा कीजिए, कुबेर सहित आपको नमस्कार है। इस प्रकार आवाहन करके सोमम राजानम इत्यादि से अथवा सोमाय नमः, इस मंत्र से सोम की पूजा करें। ईशान का आवाहन, वृषभ पर आरूढ़ महाबलशाली शूलधारी ईशान, पधारिए और यज्ञ मंडप की ईशान दिशा का संरक्षण कीजिए, आपको नमस्कार है। इस प्रकार आवाहन करके ईशानमय इत्यादि से अथवा ईशानाय नमः, इस मंत्र से ईशान देवता का पूजन करें। ब्रह्मा का आवाहन, हाथ के अग्रभाग में सुर और सुरवा लेकर हंस पर आरूढ़ हुए अजन्मा ब्रह्मा जी, आइए और लोक सहित यज्ञ मंडप की उधर्व दिशा की रक्षा कीजिए, आपको नमस्कार है। इस प्रकार आवाहन करके हिरण्यगर्भ इत्यादि से अथवा नमस्ते ब्राह्मणे, इस मंत्र से ब्रह्मा जी का पूजा करें। अनंत का आवाहन, कच्छप की पीठ पर विराजमान नागगणों के अधिपति चक्रधारी अनंत, आइए और नीचे की दिशा की रक्षा कीजिए,
रक्षा कीजिए। अनंतेश्वर आपको नमस्कार है। इस प्रकार आह्वान करके नमोस्तु सर्पभ्यः आपको नमस्कार है। इस प्रकार आह्वान करके नमोस्तु सर्पभ्यः इत्यादि से अथवा अनंताय नमः इस मंत्र से भगवान अनंतस की पूजा करें। इस मंत्र से भगवान अनंत की पूजा करें। कलशाधिवास की विधि का वर्णन। श्री भगवान हयग्रीव कहते हैं, ब्रह्मन् प्रतिष्ठा के लिए अथवा देव पूजन के लिए जिस भूमि को ग्रहण करें, वहां नारसिंह मंत्र का पाठ करते हुए राक्षसों का अपसारण करने वाले अक्षत और सरसों छींटे तथा पंचगव्य से उस भूमि का प्रोक्षण करें। रत्नयुक्त कलश पर अंग देवताओं सहित श्रीहरि का पूजन करके वहां अस्त्र मंत्र से 108 करकों कमंडलों का पूजन करें। अविछिन्न धारा से वेदी का सेचन करके वहां व्रीही धान जौ आदि का संस्कार पूर्वक बिखेर को संस्कार पूर्वक बिखेरें तथा कलश को प्रदीक्षिणा क्रम से घुमाकर उस बिखरे हुए अन्न के ऊपर स्थापित करें। वस्त्र वेष्टिष्ट कलश पर पुनः भगवान विष्णु और लक्ष्मी की पूजा करें। तत्पश्चात योग योग इत्यादि मंत्र से मंडल में शैया स्थापित करें। स्नान मंडप में कुश के ऊपर शैया और शैया के ऊपर तूलिका रुई भरा गद्दा बिछाकर दिशाओं और विदिशाओं में विद्यापतियों भगवान विष्णु के सहित विभिन्न विग्रहों का पूजन करें। पूर्वादि दिशाओं में क्रमशः विष्णु मधुसूदन त्रिविक्रम और वामन का तथा अग्नि आदि कोणों में क्रमशः श्रीधर ऋषिकेश पद्मनाभ एवं दामोदर का पूजन करें। दामोदर का पूजन ईशान कोण में होना चाहिए। इस तरह पूजन करने के पश्चात स्नान मंडप के भीतर ईशान कोण में स्थित तथा वेदी से विभूषित चार कलशों में स्नान उपयोगी सभी द्रव्यों को लाकर डालें। उन कलशों को चारों दिशाओं में विराजमान कर दें। भगवान के अभिषेक के लिए संचित किए गए वे कलश बड़े आदर के साथ रखने योग्य हैं। पूर्व दिशा के कलश में बड़, गूलर, पीपल, चंपा, अशोक, श्रीदुम, विल्व, पलाश, अर्जुन, पाकड़, कदम्ब, मौलसरी और आम के पल्लवों को लाकर डालें। दक्षिण के कलश में कमल, रोचना, दुर्वा, कुश की मुट्ठी, जाति पुष्प, कुंद, श्वेत चंदन, रक्त चंदन, सरसों, तगर और अक्षत डालें। पश्चिम के कलश में सोना, चांदी, समुद्र गामिनी, नदी के दोनों तटों की मिट्टी, विशेषतः गंगा की मृतिका, गोबर, जौ, अगहनी, धान का चावल और तिल छोड़ें। उत्तर के कलश में विष्णुपर्णी, भूई आंवला, शालपर्णी, सरिवन, भृंगराज, भंगरैया, शतावरी, सहदेवी, सहदैया, वच, सिंह, कटेरिया, अड़सा, बला, खरेटी, व्याघ्री, कटेहरी और लक्ष्मणा इन औषधियों को छोड़ें। ईशान कोणवर्ती अन्य कलश में मांगलिक वस्तुएं छोड़ें। अग्नि कोणस्थ दूसरे कलश में बांबी आदि 7 स्थानों की मिट्टी छोड़ें। नैवृत्त कोणवर्ती अन्य कलश में गंगा जी की बालू और जल डालें तथा वायव्य कोणवर्ती अन्य कलश में सूकर, वृषभ और गजराज के दांत एवं सिंगों द्वारा कोड़ी हुई मिट्टी, कमल के जड़ के पास की मिट्टी तथा इतर कलश में कुश के मूल भाग के मृतिका डालें। इसी तरह किसी कलश में तीर्थ और पर्वतों के मृतिकाओं से युक्त जल डालें। किसी में नाग केसर के फूल और केसर छोड़ें। किसी कलश में चंदन, अगुर और कपूर से पूरित जल भरें और उसमें वैदूर्य, विद्रुम, मुक्ता, स्फटिक तथा वज्र, हीरा ये 5 रत्न डालें। इन सबको एक कलश में डालकर उसी के ऊपर इष्ट देवता की स्थापना करें। अन्य कलश में नदी, नद और तालाबों के जल से युक्त जल छोड़ें। 81 पद वाले वास्तुमंडल में अनन्य कलशों की स्थापना करें। वे कलश गंधोदक आदि से पूर्ण हों। उन सबको श्री सूत से अभिमंत्रित करें। जौ, सरसों, गंध, कुशाग्र, अक्षत, तिल, फल और पुष्प इन सबको अर्ध के लिए पात्र विशेष में संचित करके पूर्व दिशा की ओर रख दें। कमल, श्यामला, दुर्वादल, विष्णुक्रांता और कुश इन सबको पाद निवेदन के लिए दक्षिण भाग में स्थापित करें। मधुपर्क पश्चिम दिशा में रखें। कंगोल, लवंग और सुंदर जायफल इन सबको आचमन के उपयोग के लिए उत्तर दिशा में रखें। अग्निकोण में दुर्वा और अक्षत से युक्त एक पात निराजना आरती उतारने के लिए रखें। वायव्य कोण में ऊर्ध्वतन पात्र और ईशान कोण में गंधपिष्ट से युक्त पात्र रखें। कलश में सुरमानसी, जटामानसी, आंवला, सरदेहिया तथा हल्दी आदि छोड़ें।
निराजना के लिए 68 दीपों की स्थापना करें। शंख तथा धातु निर्मित चक्र, श्रीवत्स, वज्र एवं कमल पुष्प आदि रंग बिरंगे पुष्प सुवर्ण आदि के पात्र में सज्जित करके रखें।